दोस्तों, अब बाबा का बुलडोजर मदरसों पर भी चलने को तैयार हो गया है और योगी जी के आने के बाद उनके मंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम मदरसे में आतंकवाद की सीख दी जाती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कहां पर हो रहा है और आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे खुलेआम धमकी दी जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि अब भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। अब ऐसा ही कुछ मदरसे को लेकर बाबा ने ऐलान करवाया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मदरसे पर बुलडोजर चलेगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। सोमेद कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाया जा सकता है। ये वीडियो यूपी का है जहां बाबा अभी फिर से सीएम के लिए चुने गए हैं, जिसने कहा था कि हम मुस्लिम से प्यार करते हैं और मुस्लिम हमसे। लेकिन अब जब बाबा जीत गए हैं तो अब कोई मुस्लिम के लिए प्यार नहीं दिख रहा है। अब तो वही मुस्लिम इनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। उनके नेता कहते हैं कि मदरसे में आतंकवाद के पाठ पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन दुग्ध विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा किया है कि अब मदरसों में आतंकवाद और आतंकवादियों की बात नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी। उनके हिसाब से अभी तक मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती थी। वही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि वक्फ और गौशालाओं की जमीनों को माफिया से मुक्त कराया जाएगा। सिंह ने कहा कि वक्फ की जिन जमीनों पर माफिया का कब्जा है वहां अब सर्वे कराकर बुलडोजर चलेगा और वह जमीन अल्पसंख्यक कल्याण के काम आएगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से चर्चा करने के बाद प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के लिए एक आदेश जारी करेंगे और जिन जिन जिलों में गौशालाओं की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जे कर रखे हैं उन्हें कब्जा मुक्त कराकर चारे की बुवाई कराएंगे, जिससे चारे की कमी नहीं रहेगी। सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गायों को संरक्षित करने का काम करेगी और प्रदेश की हर न्याय पंचायत में बड़ी गौशालाओं का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गायों को छुट्टा नहीं रखा जाएगा, बल्कि खूंटे से बांध कर रखा जाएगा। गौशालाओं में उन्नत किस्म की दुधारू गायों को भी रखा जाएगा। दोस्तों, इस खबर से साफ तौर पर समझ में ये आता है कि योगी जी के लिए गौ माता ज्यादा मायने रखती है, मुस्लिम समुदाय के लोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए उनके घरों को उनके मदरसों पर खुलेआम बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।